हे गाइस, कुक अमेजिंग में आप सभी का स्वागत है। आलू की सब्जी खा खा कर अगर बोर हो गए हैं तो कुछ बना लेते हैं नया। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैप्सिकम और ऑनियन की बहुत ही डिलीशियस सी सब्जी। ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। कुछ नया आपको भी मिल जाएगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही डिलीशियस सी सब्जी बनकर तैयार भी हो जाती है। झटपट से आप बना सकते हैं इसको, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने वीडियो को। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें डालूंगी 2 चम्मच जितना ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस 2 चम्मच काफ़ी है। अब इसमें पहले हम इसमें फ्राई कर लेंगे अपने कैप्सिकम को और ऑनियन को। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। एक बड़ा ऑनियन लिया है, 1 कप जितना क्यूब्स होगा ऑनियन का भी और कैप्सिकम का भी 1 कप ही होगा। इसको हल्का सा सौते करते हैं, हाई फ्लेम पर करना है जिससे ये सॉफ्ट नहीं होगा, क्रंची रखना है। बस इसको इतना करना है कि इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए बस। और निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सेम कढ़ाई में मैं फिर से 2 चम्मच जितना ऑयल डालूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम इसमें 2 चम्मच जितना बटर भी डाल देंगे। बटर हम थोड़ी थोड़ी देर में करके जैसे हमें ज़रूरत लगेगा वैसे हम डालते जाएंगे, लेकिन अभी हम 2 चम्मच डालते हैं। और इसमें 1 कप या आप जितना अमाउंट में बना रहे हैं सब्जी उस हिसाब से आप ऑनियन को चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने एक बड़ा ऑनियन लिया है जिसको चॉप करके डाला है। इसको 1 मिनट बस फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक को। मैंने दरदरा कूट लिया है और मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, बस कूट के डाल रही हूँ। ये लगभग 1.5 चम्मच के अप्रॉक्स होगा। और इसको भी इसके साथ ऑनियन के साथ भून लेंगे अच्छे से। हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए या स्लो फ्लेम पर चलाते हुए आपको भूनना है। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें बटर ऐड कर दीजिए और भूनते जाइए अच्छे से। ये 80% तक कुक हो गया है ऑनियन हमारा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना बेसन। बस हमें 1 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है। ऑनियन हमारा 80% कुक हो गया है, तो हम बेसन को भी कुक पूरी तरह करना है तो स्लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। अगर हम फ्लेम को बढ़ा देंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा, ऑनियन हमारा जलने लगेगा। इसलिए हमें स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है। बेसन भी भून जाएगा और ये ऑनियन भी हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा। चलाते रहना है, नहीं तो बेसन जलने लगेगा। चलाते हुए पकाना है। काफ़ी अच्छे से हमारा बेसन कुक हो गया है। तो अभी हम डाल देते हैं इसमें कुछ सूखे मसाले। 1 चम्मच जितना डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जितना डालेंगे चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चिली कर सकते हैं। और इसको भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें भूनना है। जब हमारा अच्छे से ये प्याज और बेसन का मिक्सचर भून जाएगा उसके बाद हमें मसाले डालने हैं और 1 मिनट और भूनना है। उसके 1 मिनट बाद मसाले भुन जाएंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली। ये ग्रीन चिली है, लगभग 4 के अप्रॉक्स थी और मैंने इनको मोटा मोटा चॉप किया है। इनको 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टोमेटो की प्यूरी। आप टोमेटो को प्यूरी करके भी डाल सकते हैं या चॉप करके भी डाल सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप वो करके डाल दीजिए। और इसको अच्छे से चलाना है। जैसे ही मसाले सारे मिक्स हो जाते हैं टोमेटो में, हम डालते हैं 1/4 टीस्पून जितना हींग और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच मान सकते हैं या 1.5 छोटा चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ। और अच्छे से मिक्स करके ढक कर पकाएंगे इसको। जब तक अच्छे से ये पक नहीं जाता है तब तक हमें इसको चलाते हुए बीच बीच में चलाते जाएंगे और पका लेंगे। हल्का सा तेल छोड़ने लगा है तो अब हम डाल देते हैं इसमें देगी मिर्च पाउडर। अगर आपके पास नहीं है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या देगी मिर्च पाउडर तो आप स्किप कर दीजिए, कलर अच्छा आ जाता है इसलिए डाला है। और फिर से इसको मिक्स करके कवर करके पकाते हैं। अच्छे से तेल छोड़ने लगा है, हमारी प्यूरी मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसको अब चलाते हुए पकाएंगे और तब तक पकाना है जब तक ये हल्का सा ड्राई नहीं हो जाता। ये काफ़ी ड्राई हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे पानी।
लगभग एक कप जितना पानी डाला है हमने। और अगर आपको यहाँ चाहिए है कि रस वाली सब्ज़ी, ज़्यादा रस वाली सब्ज़ी बने, तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, नहीं तो एक कप जितना पानी भी पर्याप्त है, अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। इसमें अच्छे से हमारा पानी बॉयल होके मसाला बिल्कुल पक गया है, प्यूरी अच्छे से हो गई है, पक गई है, आप मिक्स कर लीजिए, कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें जो हमने फ्राई करके रखे थे कैप्सिकम और ऑनियन, वो डाल देंगे। और कैप्सिकम और ऑनियन को मिक्स कर देते हैं अपने मसाले के साथ और इसको कवर करके 1 से 2 मिनट और पकाएंगे, जिससे थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और इसमें भी फ्लेवर मसालों के साथ अच्छा फ्लेवर चला जाए। तो ये बिल्कुल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब अच्छा इसका टेक्सचर भी हो गया है, तो इसको लास्ट फिनिश दे देते हैं धनिया से, और धनिया डालकर हम अच्छे से मिक्स करते हैं और सर्व कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस सी हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। कैप्सिकम और ऑनियन की ये सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप इसमें पनीर डाल देंगे तो पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी, और अगर आप डाल देंगे इसमें मशरूम तो मशरूम की सब्ज़ी हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके बताइएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।